घड़ी में जैसे ही 12 बजे शंख बजने लगे, महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। उस शंखनाद में एक नए राष्ट्र के संकल्प का उद्घोष था। वातावरण में सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश के सुनहरे कल की उम्मीद तैर रही थी। भावनाएं कुछ ऐसे उमड़ रही थी कि एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंटनी ने तो नेहरू जी को गले ही लगा लिया। उस एक क्षण में पूरे देश में पूजा हो रही थी। हर भारतीय अपनी सकारात्मक शक्ति के संचार से अपने राष्ट्र को और सशक्त करना चाहता था। समारोह समाप्त हुआ तो संविधान सभा ने प्रस्ताव पेश किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाए। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज एंडोर्स्ड द रिकमेंडेशन दैट लॉर्ड माउंटबेटन बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द 15th अगस्त 1947। The entire audience rises. Members of the Viceroy's bodyguard enter in their white uniforms. ADCs walking down the center of the hall, and Lord Mountbatten. I, Louis Francis Albert Victor Nicholas, Viscount Mountbatten of Burma, do swear. That I will be faithful. इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता ने राष्ट्र ध्वज भेंट किया। We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. और फिर वंदे मातरम के साथ समारोह संपन्न हुआ। दरअसल उस समय जनगण मन हमारा राष्ट्रगान नहीं था। ये दर्जा उसे 1950 में मिला। 1947 तक वंदे मातरम गीत की अहमियत बहुत बड़ी थी। समारोह के बाद भावनाएं जब कुछ कुछ काबू में आने लगी तो सब वहां से निकलना शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संसद भवन से निकलकर सीधा माउंटबेटन के पास पहुंचे, उनको आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने के लिए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और जश्न मनाने के लिए वाइन की एक बोतल निकाली। इसके बाद पंडित नेहरू ने मंत्रियों के नामों वाली सूची का लिफाफा माउंटबेटन को दे दिया। इसमें उन मंत्रियों के नाम थे जो अगले दिन शपथ लेने वाले थे। जब नेहरू चले गए और माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला तो देखा कि वो तो खाली है। अति उत्साह में पंडित नेहरू लिफाफे में नामों वाली सूची ही डालना भूल गए थे।